लखनऊ में एसपी के बेटे की हादसे में मौत का मामला। एसयूवी कार से रौंदने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा की गिरफ्तारी गैर इरादतन हत्या के मामले में हुई। गिरफ्तार दोनों को लखनऊ पुलिस रिमांड पर लेगी। आरोपी सार्थक एमिटी विश्वविद्यालय में बीबीए का छात्र है। आरोपी देवश्री वर्मा इंजीनियरिंग का छात्र है। पुलिस ने सफेद कलर की एसयूवी गाड़ी बरामद की। कानपुर के सर्राफा कारोबारी अंशुल वर्मा की है एसयूवी। आरोपी देवश्री वर्मा के चाचा हैं अंशुल वर्मा। G20 रोड पर सुबह एसयूवी से रेस लगा रहे थे। आरोपी सीसीटीवी फुटेज से एसयूवी और आरोपियों की पहचान हुई। आज 21 नवंबर की प्रातःकाल थाना गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के साथ में एक दुर्घटना हुई, जिसके क्रम में थाना गोमती नगर विस्तार में एक अभियोग 289/23 पंजीकृत किया गया। उसी अभियोग के क्रम में जो रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज हैं उन सबको देखते हुए हमारे क्राइम टीम और संबंधित थाने की टीम ने एक महिंद्रा एक्सयूवी 700 जो सफेद रंग की गाड़ी है उसको बरामद किया है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। और इस गाड़ी को चलाने वाले दो लड़के सार्थक सिंह पुत्र रवीन सिंह एवं देवश्री वर्मा पुत्र अभिषेक वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना के संबंध में उनकी रिमांड ली जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।